हेलो फ्रेंड्स, होममेड डेलिकेसीज में आपका स्वागत है। क्या आप कुछ झटपट और हेल्दी खाना चाहते हैं? तो आज हम आपके लिए लाए हैं पनीर के बिल्कुल नए और बहुत ही आसान स्टार्टर्स, पिरी पिरी पनीर, तंदूरी पनीर और इटालियन पनीर। इन तीनों स्टार्टर्स को बनाने के लिए हमने टोटल 400 ग्राम पनीर लिया है और शैलो फ्राइंग के लिए थोड़ा सा तेल। पिरी पिरी पनीर के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टीस्पून पिरी पिरी मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून तेल और 1 से 2 टेबलस्पून पानी। तंदूरी पनीर के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टीस्पून तंदूरी मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून तेल, 1 से 2 टेबलस्पून पानी और 1 टीस्पून अलसी के बीज। इटालियन पनीर के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टीस्पून पिज्जा मिक्स, 1/2 टीस्पून ऑरिगैनो, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून तेल और 1 से 2 टेबलस्पून पानी। सबसे पहले पनीर को क्यूब्स में काट लें, इसे 3 पोर्शन में डिवाइड कर दें। आइए पिरी पिरी पनीर बनाना शुरू करते हैं। एक बड़े बोल में कॉर्नफ्लोर, पिरी पिरी मिक्स और नमक डालें। इसमें तेल और पानी ऐड करें। इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लें। इसमें 1 पोर्शन पनीर डालकर अच्छे से घोल से कोट कर लें। अब इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने दें। अब हम तंदूरी पनीर बनाएंगे, जो कि पनीर टिक्के से बहुत ही डिफरेंट है। एक बोल में कॉर्नफ्लोर और तंदूरी मसाला लें। इसमें नमक और अलसी के बीज डालें। अब तेल और पानी डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिला लें। इसमें दूसरा पोर्शन पनीर डालकर अच्छे से कोट करें और 10 मिनट मैरिनेट होने दें। अब हम इटालियन पनीर बनाना शुरू करते हैं। एक बोल में कॉर्नफ्लोर, पिज्जा मिक्स, ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स डालें। इसमें नमक डालें, ध्यान रखें पिज्जा मिक्स में भी थोड़ा नमक है। फिर तेल और पानी डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिला लें। अब तीसरा पोर्शन पनीर डालकर अच्छे से कोट करें। इसे भी 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने दें। फिर एक नॉनस्टिक तवे पर ऑयल डालकर गरम करें। इसमें सारे पनीर पीसेस रख दें। एक तरफ से उन्हें सिकने पर पलट दें। दूसरी तरफ से भी पकने के बाद एक प्लेट में निकाल लें। इन तीनों पनीर स्टार्टर को प्याज या सैलेड के साथ केचप और चिली सॉस से एंजॉय करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वैभव और दीपाली महेश्वरी एक नई रेसिपी के साथ आपको जल्दी ही मिलेंगे।